मैराथन्स का मेन मोटिव है कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस यानी अपनी अपनी तंदुरुस्ती के लिए जो आप सब करते हैं उसे एक गोल मिल जाता है. एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए, हमें सब ये मालूम है, लेकिन अगर हमारे पास एक गोल नहीं है, फिटनेस गोल नहीं है, तो फिर एक्सरसाइज में बोर्डम आने की आशंका हो जाती है. आप रन करना चाहते हैं या फिर आपने कोई भी फिटनेस का अगर डिसिप्लिन चूज़ किया है, उसमें रेगुलर रहने के लिए आपको एक गोल की आवश्यकता है. और ऐसी रनिंग इवेंट, चाहे वो एक मैराथन इवेंट हो, चाहे वो एक 10 किलोमीटर की इवेंट हो, चाहे वो 5 किलोमीटर की क्लब इवेंट हो, वो आपको मौका देते हैं कि आप एक गोल ओरिएंटेड ट्रेनिंग अपनी लाइफ में ला सकें. ड्रीम्स होना काफ़ी आसान है, लेकिन उन ड्रीम्स को गोल्स में किस तरह कन्वर्ट किए जाए, वो इन इवेंट्स के ज़रिए बहुत फ़ायदेमंद होता है. जैसे मैम आप जानी मानी एक्ट्रेस और लेकिन मैम कुछ लेडीज को मौका नहीं मिलता है ये सब अटेंड करने का, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो लोग कहते हैं उन्हें टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप वो आधा घंटा या एक घंटा अपने अपने तंदुरुस्ती के लिए, अपने व्यायाम के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं, उस आधे एक घंटे की बदौलत आपका जो दिन है और जो आपकी दिनचर्या है वो और एफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि आपके पास काबिलियत आ जाती है ऑब्जेक्टिविटी की और क्लैरिटी ऑफ थॉट की, और उसकी वजह से आपके जो बाकी के घंटे हैं उनको आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं. तो इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट पुटिन, मरिसा मायर, टिम कुक, मार्क ज़करबर्ग, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करते हैं और ये दुनिया के बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोग भी हैं, लेकिन ये फिर भी अपनी दिनचर्या में से एक घंटा निकालते हैं व्यायाम करने के लिए, तंदुरुस्ती करने के लिए, तंदुरुस्ती में व्यक्त व्यतीत करने के लिए. इसका कारण ये है क्योंकि वो जानते हैं इतने बिजी और इतने महत्वपूर्ण लोग होने के बावजूद उनका वक्त कितना महंगा होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी दिनचर्या में से एक घंटा निकालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक घंटा निकालने का बेनिफिट उस एक घंटे के लॉस से कहीं अधिक है.